वेलकम टू माय चैनल रियाज वर्ल्ड। मेरी आज की रेसिपी है कुरकुरे आलू टोस्ट। आलू और ब्रेड हमारे घर में हमेशा रहते हैं, तो ये रेसिपी हम लोग बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, इवनिंग में चाय के साथ स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 उबला हुआ आलू ले लिया है। अभी आलू को ऐसे चम्मच या फोक से मदद से तोड़ लेंगे, इसको ग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। कटा हुआ 3 से 4 हरी मिर्ची, कटा हुआ धनिया पत्ता, चॉप किया हुआ 1 ऑनियन, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून बंगाली भाजा मसाला। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला देंगे। आलू की स्टफिंग तैयार हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप के तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे। देखिए बैटर तैयार हो गया है, ये बहुत ज़्यादा रानी नहीं होगा। अभी इसमें हम लोग 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। स्टफिंग में नमक है इसलिए यहाँ पे चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को मिला देंगे। देखिए बैटर तैयार हो गया है, अभी टोस्ट बना लेते हैं। तो चलिए आलू टोस्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन वाइट सैंडविच ब्रेड ले लिया है। आप कोई भी तरह की ब्रेड यूज़ कर सकते हो। ब्रेड के ऊपर मैं पहले हरी चटनी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वो चेक कर लेना। अभी ऊपर से आलू का मसाला डाल के अच्छी तरीके से आलू का मसाले का एक लेयर बना देंगे। ज़्यादा मोटा लेयर नहीं बनेगा। अभी मसाले के ऊपर ये जो मैदे का बैटर तैयार करके रखा है उसको स्प्रेड कर देंगे। ये मैदे का बैटर डालेंगे ना तो ये कुरकुरे और क्रंची बनेगा। अभी टमाटो केचप स्प्रेड करके एक और टोस्ट तैयार कर लेते हैं। केचप को भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के ऊपर। फिर से ऊपर से आलू का मसाला, अब मैदे का बैटर। मैंने यहाँ पे हरी चटनी भी स्प्रेड करके बनाया और टमाटो केचप स्प्रेड करके बनाया। आप लोग यहाँ पे मेयोनीज भी स्प्रेड कर सकते हो। तो देखिए टोस्ट तैयार है, चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन गर्म हो गया है, इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें आलू के टोस्ट डाल देंगे और धीरे धीरे करके पकाएंगे। टोस्ट एक तरफ से सिक गया है, इसे पलट देते हैं। देखिए कितना क्रंची बन रहा है ना ऊपर से, ये मैदे का लेयर की वजह से ये क्रंच आ रहा है। अभी 1/2 टीस्पून और घी ऐड करेंगे। और टोस्ट को दोनों तरफ से सेक लेंगे। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों तैयार हो गया है मेरी आज की रेसिपी कुरकुरे आलू टोस्ट। इसे मैंने हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। तो आप लोग घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना।